कहाँ ढूंढे पोपटलाल को, पता नहीं कहाँ उड़कर चला गया है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ। आज ये पोपटलाल नेटवर्क से कहीं दूर उड़ गया है, जमीन खा गई है, आसमान निकल गया। एक मिनट सर, हाँ? आपको पता है प्यून ने क्या कहा था कि पोपटलाल जिस गाड़ी में गया है उस गाड़ी की कंडीशन खराब है। हाँ। पोपटलाल ने ये भी कहा था कि वो दिन भर ऑफिस में नहीं आएगा। दिन भर वो ऑफिस में नहीं आएगा मतलब वो ऑफिस से बहुत दूर जाने वाला, और कोई भी दूर जाने वाला आदमी खराब कंडीशन वाली गाड़ी लेकर नहीं जाएगा। वो जाने से पहले खराब कंडीशन वाली गाड़ी को ठीक करवाएगा। पर सवाल ये उठता है कि वो ठीक किससे करवाएगा? मैकेनिक के पास। पाटिल मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब इंसान की गाड़ी खराब हो जाती है तो उसे ठीक करवाने वो मैकेनिक के पास ही जाता है, किसी हार्ट सर्जन के पास नहीं जाता। सॉरी सर, हमें ये सोचना है कि वो किस मैकेनिक के पास जाएगा। जी सर। पाटिल तुम मत सोचो, मैंने सोच लिया है। पोपटलाल का पड़ोसी है मैकेनिक सोडी। लेट्स मूव टू सोडीज गैराज। क्विक। स्पार्क प्लग में करंट भी ठीक से आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा गटिच प्रॉब्लम की है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पापा जी आप लोगों से नहीं होगा, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो फिर शुरू हो जा। तू भी ट्राई कर ले। पापा जी 2 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा। अरे वाह। सनी सेल्फ मार। सनी फिर से मार। ओए रहने दे, बड़ा आया लाडू खान। 2 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा। हो गई स्टार्ट? हो गया तेरा पोपट? बोलना पोपट। पाटिल हमें अपना पोपट मिल गया। इससे पहले कि ये उड़ जाए हमें अपने इसे जाल में फंसाना ही होगा। क्या करता है तो? ये पोपट क्यों नहीं है? ये नीचे से पोपट कहाँ उड़ गया? ओए, पांडे जी की कर रहे हो तुसी? ओए ये तो मेरे गैराज का मैकेनिक है, हैप्पी। आप इसे क्यों पकड़ रहे हो? इसे बार बार तू पोपट क्यों बोल रहा था? अच्छा वो दरअसल बात ये हुई थी कि इसने चैलेंज दिया था कि ये गड्डी को 2 मिनट में स्टार्ट कर देगा, और इससे 2 मिनट में गड्डी स्टार्ट हुई नहीं। इसका हो गया पोपट, इसलिए हम इसे बुला रहे थे पोपट। अरे लेकिन तुम्हारे पोपट बोलने के चक्कर में हमारे सर का पोपट हो गया ना। ओए, जाओ हॉर्न कमते लगो फौरन, चलो। सॉरी पर पांडे जी वो आप तो पप्पू को ढूंढने उसके ऑफिस गए थे, तो फिर इतने कितने? वहाँ नहीं मिला इसीलिए तो यहाँ आए हैं। कि? उसके प्यून ने बताया कि थोड़ी देर पहले मुझे ऑफिस के बाहर मिले थे, वो बहुत परेशान थे, उनका फोन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ? फिर अचानक एक गाड़ी आई, उसमें बैठ के निकल गए। वो तेरी पप्पू तो इतने भी नहीं है, तो फिर पप्पू गया कितने? तो एक गल समझ में नहीं आया पांडे जी, तुसी पप्पू के पीछे ऐसे हाथ धो के क्यों पड़े हो? जैसे वक्त आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा। पाटिल लेट्स मूव। की गड़बड़ हुई है, ये पप्पू केड़े जमेले फंस गया है यार। सुधाकर मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है, वो नंबर है पत्रकार पोपटलाल का। उसका लोकेशन ट्रेस करो और मुझे तुरंत भेजो। फिलहाल उसका फोन ऑफ है इसलिए ट्रेस करना इतना आसान नहीं होगा, पर जैसे ही उसका फोन ऑन होगा उसका लोकेशन ट्रेस होगा। तुम मुझे उस लोकेशन के बारे में तुरंत बताओगे, मैं उस लोकेशन पर पहुंचकर उस पत्रकार पोपटलाल को वहीं दबोच लूंगा। ओके गॉट इट, थैंक यू। ये क्या किया सर आपने? तुम क्या करो पाटिल, मुझ पर ऊपर से इतना प्रेशर है, मुझे किसी भी तरह पत्रकार पोपटलाल को ढूंढना ही होगा। सर प्रेशर तो आप पे हमेशा बना ही रहता है, लेकिन इस बार आप पर्सनली ले रहे हैं। पर्सनली लेना पड़ेगा पाटिल, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। कहाँ हो पोपटलाल? ओ पाजी की कर रहे हो तुसी? और रेडिएटर विच कूलेंट पा रहे हैं। पाजी थोड़ी देर पहले तो आपने डाला था कूलेंट, अभी फिर से डाल रहे हो। मैंने डाला था? ओ पाजी मैंने खुद देखा था आपने डाला। अच्छा सॉरी सॉरी, ये पोपू के चक्कर में ना मेरा दिमाग कहीं और ही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना पोपू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। तो यारों को बताना पड़ेगा, सबको वीडियो कॉल पर लेता हूँ। सॉरी का ग्रुप वीडियो कॉल? हाँ सॉरी, सब लोग आ गए, बताओ क्या हुआ। हाँ ओ यारो, तो मुझे लगता है अपना पोपू बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुमको उसका कॉल आया था क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर चालू पांडे जी आए थे उसे ढूंढते हुए मेरे गैराज विच। अरे वो तो थोड़ी देर पहले मेरी दुकान पे भी आए थे पोपटलाल को ढूंढते हुए, वो फिर भी पोपू उन्हें कहीं नहीं मिला। कमाल है, क्या चल रहा है? मैंने पोपटलाल को कई बार फोन किया, उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। ओ यारो, ओ मुझे लगता है कि उसे ढूंढने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक हमको पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए, पुलिस ही उसको ढूंढेगा। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं यार भाई, चालू पांडे जी खुद पुलिस है और वो ढूंढ रहे हैं। तभी हम पुलिस में कंप्लेंट क्या करेंगे कि आपकी पुलिस उनको ठीक से ढूंढ नहीं रही है, ऐसा? और नहीं देखी। दोस्तों मुझे लगता है कि अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें पोपटलाल के फोन का इंतजार करना चाहिए। सही बात है, जब पांडे जी पोपटलाल को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम कैसे ढूंढेंगे? एग्जैक्टली। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई सिंक ऑपरेशन कर रहा हो इसलिए उसका फोन नहीं लग रहा हो। जेठालाल स्टिंग ऑपरेशन। तो यारो वो जेठापरा की गल में तो पॉइंट है। ठीक है फिर रुकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पोपटलाल जहां भी हो सही सलामत हो। सही बात है, हम इंतजार करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। बस अब पांडे जी जल्दी से पोपटलाल को ढूंढ निकाले। चंगा यारो, सत श्री अकाल। हे वाहेगुरु जी, मेरे पोपू दे अंग संग सहाय रहना। अरे रे, गलती से व्हीलचेयर पे बैठ गया। वाट भाई जरा उठने में मदद करो ना। आराम से आराम से। अरे रघुनाथ फसा हेल्प करा ना। आओ आओ जरा रघुनाथ। थैंक यू। आज पत्रकार पोपटलाल को ढूंढना बहुत जरूरी है। पोपटलाल शहर के किस कोने में जाकर छिप गया है जहां हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं? ओ सुधाकर, हाँ बोलो सुधाकर। सर पोपटलाल के मोबाइल के लोकेशन का पता चल गया, पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी के पास में ही दिखा रहा है लोकेशन। व्हाट? यस सर। आर यू श्योर? यस यस सर। ओके थैंक यू सुधाकर, थैंक यू। क्या हुआ सर? पोपटलाल के फोन की लोकेशन गोकुलधाम के करीब बता रही है। लेकिन सर प्यून तो कह रहा था कि उसने पोपटलाल को उसके ऑफिस के नीचे देखा। लगता है प्यून ने हमसे झूठ बोला है। कहीं ऐसा तो नहीं सर, प्यून गोकुलधाम वालों से मिला हुआ है। अच्छा तो अभी मैं मास्टर जी को फोन करके उनकी परीक्षा लेता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया पोपटलाल, वो फूल अभी वापस आया होगा। ये तो ताला लगा हुआ है, मतलब अभी तक पोपटलाल आया ही नहीं। अरे कहाँ गया है ये? पांडे जी का फोन, अरे ये तो पीछे ही पड़ गए। हाँ बोलिए पांडे जी। भिड़े मास्टर, क्या पोपटलाल वापस आ गया? नहीं आया अभी तक। अच्छा तुम्हें कैसे मालूम कि वो वापस नहीं आया? क्योंकि मैं उसके घर के बाहर ही खड़ा हूँ और दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। देखो भिड़े मास्टर, मैं आशा करता हूँ एक शिक्षक होने के नाते तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से सच बोल रहे हो। हाँ पांडे जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, पोपटलाल सच में घर पे नहीं है। ये देखिए, मेरा यकीन कीजिए। देखो मास्टर जी, तुम अच्छी तरह जानते हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अरे लेकिन हाँ ठीक है, अगर मैं झूठा साबित हुआ ना तो आप मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। अच्छा सोच लो मास्टर जी, पकड़े गए तो सीधे जेल जाओगे। हाँ ठीक है, मैं सीधा जेल चला जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस? पांडे जी आप ये तो बताइए कि हुआ क्या है। मास्टर जी मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, समझे? वक्त आने पर सबको सब पता चल जाएगा। I hope you got my. I got your point. I got your number. No. I hope you got what I said. नवीन से आता। पाटिल, मास्टर जी को जेल भेजना ही पड़ेगा। क्या बोला सर उन्होंने? भिड़े मास्टर कह रहा है कि पोपटलाल गोकुलधाम में नहीं है। सर पोपटलाल को आपसे छुपाने के लिए भिड़े मास्टर झूठ बोल रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। पाटिल दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। एक काम करते हैं, गोकुलधाम चलते हैं, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर दाल? ओ तुम्हें दाल चाहिए, ओके दाल का दाल और पानी का पानी हो जाएगा। कम ऑन लेट्स मूव टू गोकुलधाम। पत्रकार जी क्या किया है आपने? पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है? सर आपको क्या लग रहा है, भिड़े मास्टर सच बोल रहे हैं या झूठ? झूठ। पाटिल पुलिस का काम है सामने वाले पे शक करना, और सामने वाले का काम है अपनी सफाई में सच बोलना। हम उनका काम क्यों करें? हमारा शक सही है, वो भिड़े मास्टर झूठ ही बोल रहा है। सबकी दुनिया हिलाने वाले की वजह से आज हमारी दुनिया हिली हुई है। नहीं है ना पोपट भाजी घर पे? नहीं ना। तुम्हें कैसे पता चला? आप जिस तरीके से बड़बड़ाते हुए आए ना उसमें ही पता चल गया मुझे। एक तो पता नहीं चला कि पांडे जी उसके पीछे हाथों के क्यों पड़े हुए हैं। अरे उनका मुझे फोन भी आया था पूछने के लिए कि पोपटलाल कहाँ है। मैंने बोल दिया कि पोपटलाल घर पे नहीं है, तो मुझे बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। भैया फिर क्या, मैंने बोल दिया उनको कि अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बेशक मुझे जेल में डाल देना। अच्छा बोलना तुम्हें? हाँ समझे चला असं बोलायला। वो कभी कभी मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है, पता है आपको? पता नहीं पोपट भाजी ने क्या किया है कि वो पांडे जी उन्हें ढूंढ रहे हैं। वही तो ना, एक बार पोपटलाल सामने आए तो पूछो ना उससे। पोपट भाजी पोपटलाल रुको। अरे अभी नहीं बाद में। अरे देवा, ये मुझे जेल में दिख रहे हैं। क्या बोला? कहने साला ऊपर। अरे पोपटलाल रुको, अरे बात करिए पोपटलाल। ये मास्टर जी ने मुझे समझ क्या रखा है, मुझसे झूठ बोला। नहीं बचेगा मास्टर जी, इस बार नहीं बचेगा। झूठ बोलने की सजा उसे मिलेगी ही। अरे रुक जाओ पोपटलाल। अरे पोपटलाल दरवाजा खोलो। अरे क्या है भाई, पहले दरवाजा खोलो फिर बोलता हूं। क्या हुआ, इतना हाफ क्यों रहे हो? क्योंकि तुम रुके नहीं। मैं नहीं रुका तो मुझे हाफना चाहिए, तुम क्यों हाफ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पीछे मुझे भागने पड़ा। क्या? तुम रुके नहीं ना तो मुझे भागना पड़ा तुम्हारे पीछे, इसलिए हाफ रहा हूँ। अरे भाई तो अभी भाग दौड़ मत किया करो, तुम्हारी उम्र हो गई है। अरे मेरी उम्र को छोड़ो, तुम्हें उम्र कैद होने वाली है। क्या? तुम्हारी उम्र कैद होने वाली है। अरे क्या बोल रहे हो पोपटलाल, तुम सोसाइटी से भाग जाओ। अरे मैं क्यों सोसाइटी में भागू, मैं एकदम फिट हूँ, मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अरे सोसाइटी में नहीं रे, सोसाइटी से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि सुबह से इंस्पेक्टर चालू पांडे जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या? मुझे ढूंढ रहे? सुबह से? पर क्यों? मैंने किया क्या है? अरे तुमने क्या किया है तुम्हें पता होगा ना, तुम बताओगे। मैं क्या बताऊं? अरे वही जो तुमने किया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर चालू पांडे जी तुम्हें सुबह से क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे अगर वो मुझे ढूंढ रहे तो उनको जाके पूछो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। अरे पूछा उनको लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही बात बोल रहे, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इसलिए तुम बता दो कि तुमने क्या किया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया है भाई। अरे क्या कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तो कल से टेंशन में क्यों घूम रहे हो? बोलो। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर चालू पांडे जी तुम्हारे पीछे हाथ धोके क्यों पड़े? अरे बोलो ना। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए वो सोसाइटी में आए थे, फिर तुम्हारे ऑफिस गए। क्या मेरे ऑफिस में? हाँ, फिर जेठालाल की दुकान पे गए, फिर रसोड़ी के गैराज में गए, फिर मुझे फोन किया पूछने के लिए कि पोपटलाल वापस आ गया सोसाइटी में। मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हारे दरवाजे पे ताला देख लिया था। अभी वो यहाँ पे आएंगे और मुझे अंदर कर देंगे। पर तुम्हें क्यों अंदर करेंगे? क्योंकि मैंने छाती ठोक के बोला था ना उनको कि अगर मैं झूठा निकला तो आप मुझे अंदर कर देना। वो यहाँ पे आएंगे, तुम्हें घर में देखेंगे तो मैं तो झूठा साबित हो जाऊंगा ना। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ऐसा ही होगा पोपटलाल, वो मुझे अंदर कर देंगे। भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम प्लीज सोसाइटी से बाहर चले जाओ। अरे पर मैं कहाँ जाऊँ? अरे तुम कहीं भी जाओ लेकिन पांडे जी सोसाइटी में, इससे पहले सोसाइटी से दूर चले जाओ। आ गया गोकुलधाम। यहाँ आने के बाद कुछ अजीब सा लगता है पाटिल। गोकुलधाम, गोकुलधाम। अरे भाई तेरे कान भी बज रहे हैं, सच में पुलिस का सायरन बज रहा है। झालं आले पांडे जी, आता मला वाजत गाजत घेऊन जाणार जेलमध्ये। पांडे जी वापस? ये पांडे जी फिर से सोसाइटी में क्यों आए? लगता है पोपट भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। देवा, लगता है पांडे जी को पता चल गया पोपट भाई जी घर पे आ गए। इनका जेल जाना नक्की है। ट्यूशन क्लासेस। अरे बाप रे, पांडे जी नाम का तूफान पोपटलाल का पीछा करते करते गोकुलधाम सोसाइटी तक पहुंच गया और अब यह तूफान भिड़े के जीवन में भारी हड़कंप मचाने वाला है। क्योंकि भिड़े ने पांडे जी से कहा था कि पोपटलाल सोसाइटी में है नहीं, लेकिन अब पोपटलाल सोसाइटी में आ गया है। तो जब पांडे जी को पता चलेगा तब वो भिड़े को झूठा समझकर उसे जेल में डाल देंगे। अब तो भिड़े को सिर्फ पोपटलाल ही बचा सकता है, बस किसी तरह से वो पांडे जी के हाथ में ना आए। लेकिन पोपटलाल पांडे जी के चंगुल से बचेगा कैसे? तो मुझे तो पोपटलाल और भिड़े के लिए बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो खुशियां मनाइए क्योंकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिल जाएंगे। जी हाँ, कि पोपटलाल ने कौन सा गुनाह किया था, वो क्यों छुप रहा था और पांडे जी उसे क्यों ढूंढ रहे थे, इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.